सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय, नमस्कार आदरणीय। आप अगर अभी से ये करना प्रारंभ कर देंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगा। आज नहीं, सुबह से नहीं, शाम से नहीं, रात से नहीं, अभी से ये करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए प्रकृति आपके लिए क्या करती है। क्या आप जानते हो जो भी आप आज आपके जीवन में घटित हो रहा है उसके निर्माणकर्ता, उसके रचयिता कौन है? कोई और नहीं, स्वयं आप ही हो। आप जिस भी परिस्थिति में हो वो सब आपके द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है। आप जो भी सोचते हो आप वही बनते हो। आप निराशाजनक चीज़ें सोचोगे तो निराशाजनक परिणाम भी आएंगे। आप सकारात्मक सोचोगे तो परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। अक्सर ये भी देखा गया है कि अधिकांशतः लोग नकारात्मक ही ज़्यादा सोचते हैं और नकारात्मक चीज़ें फैलती भी बहुत तेज़ी से हैं। कभी भी आप सोचिए कि आपने कोई गलत बात अगर किसी को बताई, आपकी बुराई देखिए कितनी तेज़ी से फैलती है, और आपने कोई अच्छा काम किया तो वो माउथ टू माउथ छोटी होती चली जाती है। तो नकारात्मक चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं जिसका परिणाम भी नकारात्मक होता है और बड़ा भी होता है। जब नकारात्मक सोचते हैं तो इस प्रकार अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दुखों और कष्टों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आप जैसी भावनाएं इस यूनिवर्स को भेज रहे हैं वैसी ही भावना आप ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार आप अगर सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें भी सकारात्मक होंगी और बड़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को चिंतित होकर सो रहे हैं तो अगली सुबह भी आप महसूस करेंगे कि उसी के इर्द गिर्द आपका पूरा दिन गुजरता है, अर्थात अगला दिन भी वैसा ही निराशाजनक होता है। इसके विपरीत, अगर आप रात को प्रसन्नतापूर्वक सो रहे हैं तो अगला दिन आपका खुशियों, उल्लास और एनर्जी से भरा हुआ होता है। इसका मतलब आपने जैसी एनर्जी रात को यूनिवर्स को दी, यूनिवर्स ने सुबह वैसी ही एनर्जी आपको वापस दी। इस प्रकार जैसा आप प्रकृति को दे रहे हैं वैसा ही प्रकृति आपको भी वापस दे रही है। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, प्रशंसा करें, आपकी भावनाओं को समझें, आप पर विश्वास करें, आपसे लगाव रखें? तो इसके लिए आप एक प्रश्न का उत्तर अपने आप से पूछिए कि क्या ये सब आप अपने आप से करते हैं? आप जो भी दूसरों से अपेक्षा रखते हैं पहले वो सब आप खुद से अपने आप के लिए करनी स्टार्ट कीजिए। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। यह सब आज अभी से करना प्रारंभ करिए, फिर देखिए ब्रह्मांड कैसे आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। थैंक यू, खुश रहिए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और सबसे बड़ी बात यह केवल एक है। थैंक यू।